ग्राम पंचायत हल्की रमनपुर परगी थाना जिला जबलपुर के अंतर्गत आने वाले गांव मुंडा टोला जो कि सिवनी जिले के बॉर्डर से लगा हुआ मुंडा टोला गांव जो कि जबलपुर जिले में आता है, वहां एक छोटा सा गांव मुंडा टोला रमनपुर में रह रहे 40-45 वर्षों से रह रहे आदिवासी समुदाय के लोग जिनको आवागमन बरसात के चलते नहीं हो पाता, नदियां आ जाने के कारण वहां के बच्चे ठीक से पढ़ लिख नहीं सकते और किसी की अचानक तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति एक छोटे से गांव मुंडा टोला रामनपुर की है जहां पर शासन प्रशासन अभी तक ध्यान नहीं दे रहा। वहां के लोग बहुत परेशान हैं जो कि वार्ड क्रमांक 14 में पड़ता है। अपने हाथ में हथेली रख कर लोग मजबूरन इस नदी को पार करते हैं। मैं अजय परते राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा से जिला प्रभारी जबलपुर। आप देख रहे हैं ये जो सामने गांव दिख रहा है और सामने नदी है, ये ग्राम पंचायत हुलकी वार्ड क्रमांक 14 से मुंडा टोला करके गांव है जो कि विगत दिनों से यहां पे ना रोड है ना पुलिया है और बारिश के टाइम पे यहां बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, किसी की तबीयत खराब हो जाए तो हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं और वोटिंग टाइम में से हो चाहे कांग्रेस लोग आते कैंडिडेट हैं और बस ये भाषण देते हैं कि पुलिया बन जाए आप सिर्फ हम बन जाए को नहीं। और शासन से यही निवेदन करता हूं कि हमारा गाँव जो मुंडा टोला रमनपुर में है वो इसे जल्द या कि अभी विगत दिनों संजय यादव यहां के विधायक थे जो कि चिन्हित भी करके जा चुके हैं कि यहां से पुलिया का निर्माण होना है लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। और अभी वर्तमान विधायक नीरज ठाकुर जी हैं जो कि यहाँ वो भी आ चुके हैं पर यहाँ पे अभी तक कोई काम चालू नहीं हुआ। और मैं शासन प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ध्यान देकर ग्राम पंचायत हुलकी वार्ड क्रमांक 14 मुंडा टोला में थोड़ा ये पुलिया का कार्य जल्द से जल्द चालू करने का वो अवसर दें और जल्द से जल्द करें पूरा। धन्यवाद। मैं अजय परते राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा से जिला प्रभारी जबलपुर। आप देख रहे हैं ये ग्राम पंचायत हुलकी जिला जबलपुर थाना बरगी से है जो कि यहाँ विगत 40 से 45 वर्षों से आदिवासी यहाँ पे रहवासी है और यहाँ पे शासन प्रशासन कुछ भी नहीं दे रहा है जो कि आप देख रहे हैं ये रास्ता है जो यहाँ आगे थोड़ा सा गाँव है, यहाँ पे वोट के टाइम में आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, बस आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। विगत दिनों से अगर मान के किसी की तबीयत या स्वास्थ्य खराब हो जाए तो यहाँ से दुर्घटना के अलावा कुछ नहीं है। इतनी बात को मैं अपनी और शासन से यही करता हूँ कि जिस पुलिया को जल्द से जल्द निर्माण करने का काम